three, four. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अंधेरा है क्योंकि मैं यहाँ पर लिफ्ट में फंस गई हूँ। और अचानक से लिफ्ट में मैं घर पे जा रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो फिर यहाँ पे लिफ्ट जो है आप देख सकते हो कैसे खुलेगा, खुलेगा भाई। हाँ अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये ओपन किया और यहाँ पे लिफ्ट देख रहे हो आप नीचे की तरफ है और यहाँ से मेरा फ्लोर है, ठीक है गाइस। बट अभी मैं निकलूँ कैसे, मैं वैसे एक है यहाँ पे भाई, उनको बोला है मैंने, उनको मदद कर रहे हैं मेरी। तो देखते हैं गाइस कब तक निकलती मैं यहाँ से। अरे आंटी देखो ना मैं फंस गई। जा रही थी, वो बोली ये क्या हो गया अचानक से। तो सब यहाँ से खड़े हैं, देख रहे हैं कि कैसे अभी निकलेगी यहाँ से। हाँ अचानक से लाइट गई। अरे देखो ये मदद कर रहे हैं ये भाई, सब बच्चे बाहर बैठ खड़े होके देख रहे हैं कैसे निकलेंगे। ओह माय गॉड, अब मुझे यहाँ से जंप करना पड़ेगा ना। दुख का खत्म नहीं होता बे। आप देख सकते मैं बाहर हूँ। जा रही हाँ कपड़ा चेंज करती हूँ, पूरे हाथ में मेरी गाइस से को ये सब लग गया क्योंकि मैं मतलब लिफ्ट को ना इन्होंने खोला है यहाँ से और वहाँ पे पूरा क्या बोलते ग्रीसिंग लगा था। थैंक यू आंटी। चलो ओह माय गॉड, तो मैं तो डर रही थी फ्रेंड्स एक्चुअली कि पता नहीं कितना देर लगेगा मुझे लिफ्ट में और मैं निकल पाऊँगी या नहीं निकल पाऊँगी। बट थैंक टू वो भैया कि उन्होंने मेरी मदद की एंड आई एम आउट ऑफ द लिफ्ट फाइनली। बात तो सही है। ये देखो फ्रेंड्स अभी भी नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे फ्लोर का है, हाफ पोर्शन लिफ्ट का यहाँ पे है और हाफ पोर्शन नीचे था। थैंक यू मैम, इन्होंने एक्चुअली मेरी हेल्प की थी। चलते हैं गाइस रूम में, मेरे घर में। देखो ये बहुत मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि यार अब क्या होगा, मैं कैसे निकलूँगी, बहुत टेंशन हो गई थी मेरी मुझे एक्चुअली। आ गई हूँ मैं रूम में। तो अभी तक मैंने सिर्फ सुना था फ्रेंड्स, ठीक है, लिफ्ट में फंस जाओ आप तो क्या होता है। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि हो गया भाई, अब तो मैं फंस गई। तो देवांशी के डैडी भी सो रहे हैं, देवांशी की दादी भी सो गई हैं वापस से, एक बार उठी थी, अंकल को खाना वाना मैंने दिया ना बना के, तो उसके अंकल जब चले गए ना तो वापस से मम्मी लेट गए और लेटे तो कैसा नींद आ जाती है ना। ये देखो फ्रेंड्स मेरा पूरा हाथ आप देख सकते हो ग्रीस वगैरह लग गया है इसमें, ये देखो पूरे दोनों हाथों में, क्योंकि दोनों हाथ मैंने वो करके लिफ्ट को पकड़ के बाहर उतरना पड़ा था ना फ्रेंड्स। जब आप लिफ्ट को पकड़ के बाहर उतरते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हाथों में लग ही जाएगा। मैं चलती हूँ वॉश करती हूँ। वो आंटी एक्चुअली वो आंटी के दामाद थे, जो आंटी हमारे यहाँ पे मतलब थी ना पहले, उनके दामाद थे, उन्होंने मेरी मदद की। ओह माय गॉड गाइस, आई होप, अरे मैं आपका वेलकम करना तो भूल गई, सो सॉरी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आप देख रहे हैं आरएसटी फैमिली ब्लॉग्स और आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ। आई होप गाइज आप लोग सब खुश होंगे, अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। तो देवांशी को जस्ट मैं छोड़ के आ ही रही थी, आप बोल सकते हो। देवांशी को मैं मतलब बस स्टॉप पे ड्रॉप करके आई, ठीक है, वो चली गई। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड अनीमा जो है हम कुछ देर के लिए वहाँ खड़े थे बाहर, 10 मिनट बात की हमने, ठीक है, हमारे एक बोल सकते हो कि कन्वर्सेशन स्पॉट बोल सकते हो आप, जहाँ पे हम वेट करते 10-15 मिनट और बातचीत करके फिर वहाँ से आते हैं। तो मुझे क्या पता था आज ये होने वाला है मेरे साथ। मैं तो खुशी खुशी गाने मस्त सुनते हो, आप देख सकते हो मैंने ईयरबड्स लगाए हैं कानों में। हाँ फिर मैंने ना उसी वक्त एक्चुअली मेरी फ्रेंड एक और आशा जो है ना विधि की मम्मी, उनका कॉल आ गया ये पूछने के लिए कि क्यों कॉल किया था आपने, तो मैंने उनको कॉल किया एक्चुअली आज बस जो है वो जल्दी आ गई थी फ्रेंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने उनको कॉल किया कि विधि क्यों नहीं आई अभी तक, विधि कब आएगी।
तो वह उन्होंने कॉल बैक किया था कि तुमने कॉल क्यों किया था। मैंने बताया जल्दी आ गई थी इसलिए मैं कॉल कर, बट देखा कि तुम्हारे हस्बैंड लेके आए थे विधि को, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर से ट्राई नहीं किया। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नंबर है, हमने सेलिब्रेशन किया था कल, तो उसका जीरो जो है वो गिर के यहाँ पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है काम गाइस, अभी सब मुझे पूरा करना है, जस्ट यहाँ पे नहा धो के पूजा वगैरह हो गई है, बाकी और सब चीज़ें जो छोटा पुटा बर्तन है वो भी बाकी है, वो सब मुझे करना है। और फिर चाय भी बनानी है, अभी सबको चाय बना के फिर उठाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उन भैया ने मुझे मतलब बाहर निकाला, आप बोल सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर का शटर जो है ना वो खोलो, ठीक है, दो शटर्स होते हैं अगर शटर वाला जो लिफ्ट होता है उसमें, तो बोला अंदर का शटर खोलो। मैंने शटर खोला, उन्होंने फिर ना बाहर वाले शटर से हाथ डाला, ठीक है, और अंदर कुछ था वहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर। ओह गॉड, मुझे ही दिख रहा है। हाँ, अरे मैं फंस गई थी लिफ्ट में, मुझे ये नीचे वाले भैया ना इन्होंने निकाल। गाइस तो आपको यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ना यहाँ पर एक रहता है, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ना हाथ डाला और फिर इस शटर को खोला और मुझे अंदर का शटर जो है वो खोलने को बोला। कुछ होता है? हाँ, ये इधर पे यहाँ रहता है, तो फिर मैं निकल पाई बाहर फ्रेंड्स। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रूर कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कैसे निकले थे इस सिचुएशन से। और लाइक करना ना भूले गाइज इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो गाइज सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं लगता है। शेयर करें इस वीडियो को ताकि अगर जो कोई देखे कभी लिफ्ट में फंसता है तो वो निकल सके उस लिफ्ट से बाहर गाइज, ठीक है। और बच्चों को लिफ्ट में कभी अकेले जाने ना दें फ्रेंड्स, ओके। तो गाइज फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने कामों पे ध्यान रखें, बाय बाय।